हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा वेक्टर पे लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको वर्कशीट अपलोड की थी। ठीक है, जो आपको वर्कशीट मैंने टेलीग्राम पे अपलोड की है, वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो आप चाहो तो वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन से वर्कशीट अगर डाउनलोड कर सकते हो, अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किए है तो। ठीक है, आज हमारा होने वाला है थर्ड टॉपिक पे डिस्कशन। जो वर्कशीट मैंने आपको सेंड की है उसमें थर्ड टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। ये न्यूमेरिकल आया था 12 जनवरी आया था। टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पर। द सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू का सम पूछा गया है। फॉर विच द वेक्टर्स, ये वेक्टर दिया, पहला वेक्टर दिया है म्यू आई प्लस जे प्लस के, सेकेंड वेक्टर दिया आई प्लस म्यू जे प्लस के, और थर्ड वेक्टर दिया आई प्लस जे प्लस म्यू के आर कोप्लेनर। अच्छा, ये तीनों वेक्टर कैसे कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, इसका मतलब उस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट में। तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, म्यू वन वन, सेकेंड रो में क्या आएगा, वन म्यू वन, और थर्ड रो में क्या आएगा, वन वन म्यू। ठीक है, इस डिटरमिनेंट क्या आएगी, जीरो। बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, पहले म्यू लिया, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, कितना होगा म्यू स्क्वायर माइनस वन माइनस, फिर वन लिया, रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते, ये कितना हो गया म्यू माइनस वन। ठीक है, प्लस फिर वन लिया, फिर रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते, ये कितना हो गया वन माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो आप, ये म्यू हो गया, इसके फैक्टर म्यू माइनस वन, म्यू प्लस वन माइनस वन, ये म्यू माइनस वन, और यहाँ पे वन माइनस म्यू है तो मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये कितना आएगा म्यू माइनस वन आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या फ़ायदा होगा, सब में से म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन कॉमन निकला, म्यू माइनस वन जब कॉमन निकला, म्यू माइनस वन कॉमन, तो क्या बचा, म्यू माइनस वन कॉमन निकलने पे क्या बचा, ये देखो यहाँ से म्यू म्यू प्लस वन रिमेनिंग रहा, देन इधर से माइनस वन, और यहाँ से भी माइनस वन आ गया, ये कितना हो जाएगा जीरो। क्लियर है इतना, ओके। आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा म्यू माइनस वन, और ये कितना होगा म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वेयर, ये प्लस म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या होगा, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ गया, तो ये पहला ब्रैकेट जीरो होगा और सेकेंड ब्रैकेट जीरो होगा, म्यू स्क्वेयर प्लस म्यू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितने आ गई, वन आ गई, म्यू की वैल्यू वन आ गए। चलो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, माइनस टू को ऐसे स्प्लिट अप करो कि वन आना चाहिए। क्या करें, माइनस टू को ऐसे, ये क्वाड्रेटिक माइनस टू को ऐसे स्प्लिट अप करो कि वन आना चाहिए। तो टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, टू माइनस वन का एडिशन तो प्लस वन आएगा, तो यहाँ से म्यू की एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ जाएगी। ठीक है, और म्यू की ये प्लस वन आ जाएगी। तो ऐसे म्यू की कितनी वैल्यू मिल गई हमें, म्यू की तीन वैल्यू मिली है, म्यू की तीन वैल्यू, एक्चुअली तीन नहीं है, दो ही है। ये म्यू की वैल्यू वन आ गई, ये म्यू की वैल्यू माइनस टू आ गई, और ये म्यू की वैल्यू वन आ गई। हमें क्या बोला गया, सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू। अब इन तीनों में से डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन सी है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो म्यू की डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन सी, एक माइनस टू है और एक वन है। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है, और इनका सम, तो इनका सम कितना आएगा, इनका सम आ जाएगा माइनस टू प्लस वन, कितना माइनस वन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ तकलीफ होगी या कुछ डिफिकल्टीज आएगी करके। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, एंड वेक्टर सी गिवन है, और ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। अगेन कोप्लेनर पे बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी कितना होगा। वेक्टर ए तो ऑलरेडी गिवन है, वेक्टर सी फाइंड आउट करना है, और वेक्टर सी के लिए हमें लैम्ब्डा पता करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन दी है कोप्लेनर की, वो लैम्ब्डा फाइंड आउट करने के लिए ही है। तो कोप्लेनर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट वन टू फोर, वेक्टर बी के कंपोनेंट वन लैम्ब्डा फोर, वेक्टर सी के कंपोनेंट टू फोर
लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, वन रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देते, लैम्डा से मल्टीप्लाई एक काम करते, तो ये लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस वन आएगा और ये माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। ठीक है, समझा ना, वन लिया रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, माइनस फिर टू फिर रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस वन, लैम्डा स्क्वायर माइनस एट हो जाएगा और प्लस फिर फोर लिया रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ देती है, कितना हो जाएगा फोर माइनस टू लैम्ब्रा इज इक्वल्स टू आएगा ज़ीरो। देन एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो लैम्ब्रा लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन माइनस सिक्सटीन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ब्रैकेट में बना के माइनस टू को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस टू किसके साथ मल्टीप्लाई, लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन के साथ और यही माइनस टू माइनस एट के साथ, तो प्लस सिक्सटीन हो जाएगा। मैं तो नॉर्मली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये सब कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। प्लस और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर आप यहाँ से माइनस, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, या फिर मैं काम करता हूँ मैं माइनस टू कॉमन निकाल रहा हूँ, तो माइनस टू अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये माइनस एट आएगा और इधर कितना आएगा लैम्ब्रा माइनस टू आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लो एक बार, फोर लिया रिलेटेड और कॉलम को छोड़ दिया तो ये फोर माइनस टू लैम्ब्रा। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन तो कैंसिल हो रहा है, माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन कैंसिल, तो क्या बचा लैम्ब्रा लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन और यहाँ से माइनस टू लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन और यहाँ से माइनस एट लैम्ब्रा माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या करें यहाँ से देखो लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन दोनों में से कॉमन निकला, लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन अगर मैं पहले दोनों में से कॉमन निकालता तो क्या बचा लैम्ब्रा माइनस टू बचा, उधर से लैम्ब्रा बचा माइनस टू बच गया। ठीक है, और यहाँ से माइनस एट लैम्ब्रा माइनस टू इज इक्वल्स टू आएगा ज़ीरो। अब देखो लैम्ब्रा माइनस टू भी कॉमन निकला, लैम्ब्रा माइनस टू कॉमन, तो अब क्या बचा लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस वन और इधर से माइनस एट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसका मतलब होगा कि लैम्ब्रा माइनस टू की एक वैल्यू ज़ीरो आएगी और लैम्ब्रा स्क्वायर माइनस नाइन की एक वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो लैम्ब्रा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से टू और यहाँ से लैम्ब्रा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है नाइन। ठीक है, तो हमारे पास लैम्ब्रा की वैल्यू टू आ गई, लैम्ब्रा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई नाइन आ गई। तो अगर मैं अब इसको लेके सॉल्व करता हूँ तो देखते क्या आता है। ठीक है, तो मुझे किसकी ज़रूरत है, वेक्टर सी की ज़रूरत है, तो जब लैम्ब्रा की वैल्यू टू होगी, जब लैम्ब्रा की वैल्यू टू होगी तो वेक्टर सी कितना आएगा, जब लैम्ब्रा की वैल्यू टू होगी तो वेक्टर सी कितना आ जाएगा टू आई प्लस फोर जे, जब लैम्ब्रा की वैल्यू टू होगी, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो प्लस थ्री के आ जाएगा, और जब लैम्ब्रा स्क्वायर की वैल्यू नाइन होगी, जब लैम्ब्रा स्क्वायर की वैल्यू नाइन होगी तब वेक्टर सी कितना आएगा, ये हो जाएगा टू आई प्लस फोर जे, अच्छा लैम्ब्रा स्क्वायर की वैल्यू कितनी नाइन, तो नाइन माइनस वन एट, तो एट के, तो ऐसे मेरे पास दो वेक्टर सी आ गए, ये एक वेक्टर सी आ गया और ये एक वेक्टर सी आ गया। अब मुझे क्या करना है कि वन बाय वन वेक्टर सी को लेके वेक्टर एक के साथ क्रॉस करना है और चेक करना है कि कौन सा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग वेक्टर सी फर्स्ट वाला लेते हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी का क्रॉस, अच्छा क्रॉस सबको पता ही है, आई जे के सेकेंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट जो है वन टू फोर, थर्ड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट टू फोर थ्री। ठीक है, तो आई लिया रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया सिक्स, ठीक है सिक्स माइनस सिक्सटीन, तो ये हो जाएगा माइनस टेन, फिर माइनस जे लिया रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया थ्री माइनस एट, कितना हो गया थ्री माइनस एट, थ्री माइनस एट ये हो गया माइनस फाइव, थ्री माइनस एट माइनस फाइव, फिर प्लस के लिया फिर रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया फोर माइनस फोर ज़ीरो, तो चलो ये तो ज़ीरो हो गया, यानी यहाँ से मुझे फाइनली क्या मेरा माइनस टेन आई प्लस फाइव जे, माइनस टेन आई प्लस फाइव जे, माइनस टेन आई प्लस फाइव जे तो ऑप्शन में है मतलब ये करेक्ट होगा। चलो दूसरा वाला भी चेक कर लेते ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो आई जे के
सेकेंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट 1, 2, 4, थर्ड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट 2, 4, 8, 2, 4, 8, तो इसका आंसर ना ज़ीरो आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रो के एलिमेंट देखो प्रोपोर्शनल है, दोनों रो के एलिमेंट क्या प्रोपोर्शनल, आप चेक भी कर सकते हो लगे तो, आई ले लिया रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, तो ये कितना हो गया देखो 16 - 16 आ गया ज़ीरो, फिर माइनस जे ले लिया रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, ये देखो 8 - 8 कितना हो गया, ये भी ज़ीरो आ गया, प्लस के, फिर ये कितना हो गया 4 - 4, देखो आ रहा है ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो, तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है, करेक्ट आंसर रहेगा अपना ए ऑप्शन। ओके तो सिंपल था, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत गिरेगी। ओके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन IIT 2009 में पूछा गया है, IIT 2009, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करने वाले, ठीक है, एलिमिनेटिंग मेथड का मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, इस तरीके से चेक करने वाले, ठीक है। चलो तो देखते क्या क्या बोला गया, यहाँ पे हमें बोला गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर यूनिट वेक्टर, मतलब ये बात तो पता चल गई कि वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर सी का मॉड और वेक्टर डी का मॉड ये किसके बराबर में होगा, 1 के। और ये चीज़ हमें दी है सबसे इम्पोर्टेंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी के साथ कितना है, 1 है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी के साथ कितना है, 1 है, ठीक है। अब पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि वेक्टर ए वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या है, ये है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, इसमें थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके तो मान के चलो कि ये वेक्टर एम है और ये वेक्टर एन है, तो जब अपन डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ये वाली डेफिनेशन, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर मॉड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक है, और इनटू में लगा लेते कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ये किसके बराबर में आ जाएगा, 1। अच्छा यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो यहाँ ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा किसके बीच का एंगल हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी थर्ड वेक्टर देता है, एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, इन दो के बीच का नहीं, इन दोनों का क्रॉस करके जो थर्ड वेक्टर आएगा उस वेक्टर, और इन दोनों का क्रॉस करके जो थर्ड वेक्टर आएगा उस वेक्टर के बीच का एंगल है। ओके ओके यहाँ तक क्लियर हो गया, अब चलो इस पे डेफिनेशन लगाते हैं, पहले ये बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डेफिनेशन क्या है, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और साथ में आता है यूनिट वेक्टर, तो अगर मैं इसका मॉड लगा दूँ तो इसका मॉड मतलब ये कंप्लीट इसका मॉड, तो कंप्लीट इसका मॉड यानी इस मॉड ऑफ वेक्टर का मॉड फिर से, क्योंकि ए बी सी डी का मॉड क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड, फिर बी का मॉड, फिर सी का मॉड और डी का मॉड, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो मॉड है सबके साथ लगते जाएगा, तो पहले वेक्टर ए के मॉड का मॉड, मॉड ऑफ वेक्टर ए ही रहेगा, वेक्टर बी के मॉड का मॉड ये भी वही रहेगा, साइन थीटा तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड कितना होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, अच्छा थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो चलो यहाँ पे लगा लेते, तो ये कितना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन, अब मैं थीटा नहीं ले रहा क्योंकि मैंने तो थीटा को पहले ही नाम दे के रख दिया, थीटा तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि थीटा तो इस और इसके बीच का एंगल है, तो यहाँ पे कोई और लेते, लेट से थीटा 1 ले लेते, ठीक है। उसी तरीके से अब इस पे भी, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर डी, यहाँ पे भी साइन थीटा 2 ले लेते, साइन थीटा 2 लेते हैं और ये इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा। अच्छा वेक्टर ए का मॉड कितना है, 1 है, वेक्टर बी का मॉड भी कितना है, 1, वेक्टर सी का मॉड 1, वेक्टर डी का मॉड 1, तो फाइनली हमें क्या मिला, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें फाइनली हमारा आंसर मिल, आंसर मतलब यहाँ इस कंक्लूजन तक हम लोग पहुँच गए। अब ये साइन थीटा
वन साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, वन आ रही। तो अब इसका ये मतलब है कि ये चीज़ वन कब आई होगी, ये चीज़ वन कब आई होगी, जब थीटा वन कितना होगा 90। ठीक है, थीटा वन क्या है पहले वो समझ के रख देना, यहाँ पे आगे बढ़ते। थीटा टू कितना रहेगा, ये भी 90 रहेगा, क्योंकि इसको वन होना है, इसको भी वन होना, और इसको वन होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, जीरो। तभी देखो साइन थीटा वन यानी साइन 91 आ गया, ये भी साइन 91 आ जाएगा, कॉस जीरो वन आ जाएगा। तो फाइनल मुझे आंसर क्या मिलेगा, अच्छा थीटा वन क्या था, थीटा वन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल था, तो थीटा वन कितना आ गया, 90 आ गया। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा है, परपेंडिकुलर है। अच्छा थीटा टू किसके बीच का एंगल है, वेक्टर सी और वेक्टर डी का, तो इसका मतलब होगा कि वेक्टर सी और वेक्टर डी भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। और थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल था, इन दोनों के बीच का एंगल था, और थीटा कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये पैरेलल है, थीटा जीरो है मतलब एंगल के, एंगल जीरो है मतलब वो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। कौन दोनों, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये दोनों कैसे पैरेलल है। ठीक है, ओके okay, तो फिलहाल तो इस कंडीशन को जैसे वैसे रहने देते, इसको भी जैसे इसका यूज़ करते, दो वेक्टर पैरेलल, हमें पता है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है तो इनके क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर बी होता है, पैरेलल कोलिनियर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्बडा, लैम्बडा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी आ जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग हमारे ऑप्शन को चेक करना चालू करते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन क्या वाला, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब इसके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो नहीं आएगी। कोप्लेनर मतलब बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो मुझे तो बॉक्स, देखो बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं दोनों तरफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इधर भी इसको डॉट के साथ वेक्टर सी कर दिया, क्योंकि मैं ये पता करने में इंटरेस्टेड हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का बॉक्स प्रोडक्ट पता करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो लैम्ब्डा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो गया, और इसको भी देख लो ये क्या हो गया, लैम्ब्डा ये ऐसा है m वेक्टर c डॉट वेक्टर d अगर है तो ये तो m तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर c डॉट वेक्टर d। तो ये भी क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d, सॉरी वेक्टर c वेक्टर d और वेक्टर c आ जाएगा फिर से, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर c, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी लिख सकते हैं, ये तो लैम्ब्डा हो गया। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी लिखा है तो इसको भी बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अच्छा बट यहाँ पे वेक्टर सी और वेक्टर सी क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो जब भी रिपीट होगा तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। अच्छा और बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी के वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या, कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर, ये कैसे हैं, कोप्लेनर। और पहले ऑप्शन में क्या बोला है कि ये कोप्लेनर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ओके, अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन कैसे चेक करें, ए बी डी है, ए बी डी है तो आप सोच सकते हो कि मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को अब डॉट करना होगा वेक्टर डी के साथ, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो लैम्ब्डा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी का डॉट वेक्टर डी के साथ, तो ये तो हो जाएगा बॉक्स के अंदर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डी, और ये लैम्ब्डा इधर भी बॉक्स के अंदर वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर डी वेक्टर डी वेक्टर डी फिर रिपीट हो गया, तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर डी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डी की वैल्यू जीरो आने का मतलब ये तीनों कैसे होंगे, कोप्लेनर, ये तीनों कैसे होंगे, कोप्लेनर। और यहाँ पे क्या बोला है, नॉन कोप्लेनर, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें थोड़ा करेक्शन है, नॉन कोप्लेनर नहीं है, नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, ठीक है। अच्छा हमारे पास तो क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन और दी है, और वो कंडीशन क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल 1/2, ये कंडीशन दी है।
ठीक है। अच्छा अब हम लोग चेक करते हैं कि तीसरा वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर नॉन पैरेलल, ये बोलना चाहते हैं। ऑप्शन क्या बोलना चाहते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर डी कैसा नॉन पैरेलल है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वेक्टर बी एंड वेक्टर डी पैरेलल है, अज्यूम करके चलते हैं, अज्यूम वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ क्या बोला, नॉन पैरेलल। अच्छा अगर ये पैरेलल, इसका मतलब वेक्टर डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, लैम्बडा वेक्टर बी आ जाएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, वेक्टर बी और वेक्टर डी अगर पैरेलल है, तो वेक्टर डी इज इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर बी। अच्छा लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लैम्बडा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करने पे, जो वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर डी के बराबर में हो जाए। लेकिन स्केलर क्वांटिटी थी, बट इसका यह मतलब है कि लैम्बडा की वैल्यू तो वन होगी, नहीं के बाद दिमाग में, मतलब देखो वेक्टर डी क्या है, वेक्टर डी और वेक्टर बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ये वेक्टर बी और वेक्टर डी क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब इनकी लेंथ सेम होगी। लेंथ कैसे होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैं जब भी मैं लैम्बडा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं लैम्बडा से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि वेक्टर डी और वेक्टर बी की डायरेक्शन तो सेम है, इनकी दोनों की लेंथ भी क्या हो जाए, सेम हो जाए। लैम्बडा को मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या होता है कि दोनों वेक्टर की लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। बट यहाँ पे दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, विच इज़ वन, यानी लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, ठीक है। देखो एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर करो, जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर, ये वेक्टर मान लो कि वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है, और ये वेक्टर क्या है, बी है, ये वेक्टर बी है। अब दोनों वेक्टर कैसे, दोनों वेक्टर कैसे कोलिनियर है, दोनों वेक्टर कैसे कोलिनियर, और दोनों की लेंथ भी कैसे सेम है। चलो मान लो कि यूनिट वेक्टर है, तो ये लेंथ यूनिट है, ये लेंथ भी यूनिट है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा बोल सकता हूँ ना, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। अगर मान लो कि ये इतना ही होता, ये वेक्टर बी इतना ही होता, ठीक है, अब मुझे दोनों की लेंथ सेम करने के लिए मुझे लैम्बडा से क्या करना होता, मल्टीप्लाई करना होता। लैम्बडा एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको एक ऐसे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता ताकि इसकी लेंथ क्या बन जाए, सेम बन जाए। लेकिन ऑलरेडी इसकी लेंथ कैसी, सेम है, ये यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वन, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर डी ये किसके बराबर में हो जाएगा, वेक्टर बी के बराबर में हो जाएगा। पहले दो ऑप्शन तो चेक हो गए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारे पास रिजल्ट आ गया कि वेक्टर बी और वेक्टर डी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अब चलो चेक करते कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है क्या। अगर सेटिस्फाइड होगी तो जो हमने अज्यूम किया वो अज्यूम्पशन सही है, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर डी कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एक काम करते, उसमें पुटअप करते, वेक्टर ए क्रॉस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट किसके साथ, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और वेक्टर डी की जगह मैं रख देता हूँ वेक्टर बी, ठीक है। मुझे बस ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू वन आती क्या नहीं। अच्छा चलो एटलीस्ट वन नहीं तो ये तो भी चेक हो जाना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी की वैल्यू 1/2 आती है क्या नहीं, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वन मान के चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वन दिया है हमें। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी के साथ कितना है, वन है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट 1/2 आता है कि नहीं, ठीक है ना, ये चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, ठीक है, तो चेक कैसे करना चाहिए हम लोगों ने, क्या करना चाहिए, मैं फिलहाल के लिए इसको वेक्टर एम मान लूं, इसको फिलहाल मैं वेक्टर एम मान लेता हूं। तो वेक्टर एम का डॉट किसके साथ, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी के साथ, कितना, वन। अच्छा ये तो फिर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जैसा दिखाई दे रहा है, वेक्टर एम का डॉट किसके साथ, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी के साथ। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं बॉक्स के अंदर, वेक्टर एम वेक्टर सी वेक्टर बी, इसका बॉक्स कितना हो जाएगा, वन। आगे मैं इसको थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करता हूँ, एम फिर सी दिया है और फिर बी दिया है, तो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए ना, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी सी के बाद बी और फिर B के बाद M, तो ये किसके बराबर में रहेगा, वन के बराबर में, ठीक है, ओके। तो आगे क्या, अब इसको वापस मैं वेक्टर C डॉट ऐसा बोल देता हूँ कि ये B क्रॉस M है इज इक्वल्स टू वन, तो वेक्टर C डॉट
वेक्टर बी क्रॉस, अच्छा वेक्टर एम क्या है, वेक्टर एम तो ये लिया था हमने, देखो इसको वेक्टर एम लिया था, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वन, सो वेक्टर सी डॉट, अब यहाँ पे लगेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, याद है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अच्छा मैंने आपको ये याद रखने के लिए कैसा बताया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को याद रखने के लिए 1 2 3, ठीक है याद है 1 2 3, तो हम 132 माइनस 123 लिखते हैं, 132 माइनस 123, तो 132 मतलब वेक्टर बी और वेक्टर बी का फिर से डॉट प्रोडक्ट इनटू वेक्टर ए आ जाएगा, 1 2 3 है, 132 लिखते हैं 132, तो वेक्टर बी और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस 1 2 3, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर क्या आएगा वेक्टर बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1, वेक्टर सी डॉट, अच्छा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर 1 दिया था, ठीक है ना, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, 1 दिया है, तो ये फाइनली वेक्टर ए मिला माइनस, अच्छा यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि हमने अभी कंक्लूजन निकाला था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा है परपेंडिकुलर, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो क्योंकि अब मैं वापस लिख नहीं पाऊंगा, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो तो आपको पता चलेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा निकाला था हमने परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 1, वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 1, लेकिन वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कितना है 1/2 है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वेक्टर बी और वेक्टर डी पैरेलल, ये अजम्पशन हमारा क्या है गलत हो गया, क्योंकि अगर हमने अज्यूम किया है ये पैरेलल है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 1, और एक्चुअली आना क्या चाहिए था 1/2, तो 1 आने का मतलब जो आपने अज्यूम किया कि वेक्टर बी और वेक्टर डी पैरेलल है वो अजम्पशन क्या हो गया अपना गलत हो गया, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर डी पैरेलल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा सी आएगा, करेक्ट आंसर सी आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बहुत यूज़ कर लिया, डॉट प्रोडक्ट का भी यूज़ कर लिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यूज़ कर लिया, अच्छा जिन लोगों को ये नहीं समझा ना ये कैसे लिखा है करके ये इससे ये, तो उसके उनको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक देखने की ज़रूरत है, पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक का वीडियो अच्छे से देखो, इससे ये कैसे लिखते हैं वो समझो ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ओके आपको इसको फिर से एक बार ट्राई करने की ज़रूरत है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एजेस ऑफ पैरेललोपिपेड आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सच दैट यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, जो पैरेललोपिपेड है उसकी जो एज है, एज मतलब जैसे ठीक है ये होगी पैरेललोपिपेड, ठीक है ना, मान लो ये पैरेललोपिपेड है, ये ओ हो गया, ये मान लो ये साइड ए है, तो ये एज इसको हम लोग कहते हैं एज बेसिकली क्या है साइड है, तो इसकी एक एज है यूनिट वेक्टर ए, जैसे मान लो ये दूसरी एज हो गई, इसकी दूसरी एज मतलब दूसरी जो साइड है यूनिट वेक्टर बी है, और ये तीसरी, ठीक है इसकी जो तीसरी साइड है यूनिट वेक्टर सी है, ठीक है ना, इस तरीके से बोला गया, तो हमें ये कंडीशन दी है और हमें बोला वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला हमें नॉर्मली क्या होता था, ये वेक्टर ए होता था, ये वेक्टर बी होता था और ये वेक्टर सी होता था, ठीक है, तो हम बोलते थे कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर ए दिया है, ये यूनिट वेक्टर सी दिया है, यूनिट वेक्टर बी दिया है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी, ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यूनिट वेक्टर ए पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर बी पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर सी पता होना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं अपने पास, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी तो है ही नहीं, अब क्या करें फिर, तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में लिखा के दिया है कि यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी का बॉक्स प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला है,
वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर सी। सेकेंड रो में क्या था, यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए आएगा, यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर बी हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर सी आएगा। और थर्ड रो में आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है, बॉक्स पढ़ो, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी का स्क्वायर है, प्रॉपर्टी एक बार चेक करना। फिर ये क्या आएगा, यूनिट वेक्टर सी डॉट यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर सी डॉट यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर सी डॉट यूनिट वेक्टर सी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब देखो अगर आपके पास यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर ए सी नहीं है, या वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी नहीं है, तो आप वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है, आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला है अवेलेबल। तो फिर यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए मॉड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, वन वन का स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया, वन बाई टू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ये भी वन बाई टू, ये भी वन बाई टू दिया है, ये वन, ये भी वन बाई टू दिया है, ये भी वन बाई टू दिया है, वन बाई टू दिया है, वन दिया है, ठीक है, वन दिया नहीं, वन फाइंड आउट किया। यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर बी मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी, और मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी केवल वन, वन का स्क्वायर वन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या मिल गया, बॉक्स प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी का होल स्क्वायर मिला। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वन लिया, रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया वन, वन माइनस वन बाय फोर, वन माइनस वन बाय फोर कितना आएगा, थ्री बाय फोर आ जाएगा। फिर माइनस वन बाय टू लिया, माइनस वन बाय टू, फिर इससे रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दिया, तो ये कितना हो गया वन बाय टू, वन बाई टू माइनस वन बाय फोर, तो वन बाई टू माइनस वन बाय फोर कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू, टू बाय एट, यानी कि वन बाय फोर, ये कितना आ गया, वन बाय फोर आ गया। फिर तीसरा प्लस वन बाय टू, रिलेटेड डोर कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया, वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय फोर हो गया, माइनस वन बाय टू हो गया, तो वन बाय फोर माइनस वन बाय टू कितना हो रहा है, ये कितना हो गया, माइनस टू माइनस फोर, सॉरी 2 माइनस फोर अपॉन में 8, यानी कितना, माइनस टू अपॉन में 8, यानी कितना, माइनस वन बाय फोर, ये आ गया, तो माइनस वन बाय फोर आएगा। हाँ, तो चलो आगे देखते हैं, ये कितना हो रहा है, ये 3 बाय फोर हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 1 बाय एट हो गया, और ये माइनस वन बाय एट हो गया, तो 3 बाय फोर माइनस वन बाय एट माइनस वन बाय एट माइनस टू बाय एट, यानी 3 बाय फोर माइनस वन बाय फोर, थ्री बाय फोर माइनस वन बाय फोर कितना हो गया, टू बाय फोर हो गया, टू बाय फोर का मतलब कितना, वन बाय टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाय टू, किसकी वैल्यू, बॉक्स प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाय टू। अच्छा, स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर, तो फिर बॉक्स प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय रूट टू आ जाएगी, और यही क्या है अपना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फाइनल आंसर कितना आ रहा है, वन बाय रूट टू क्यूबिक यूनिट आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट। तो आप ऑप्शन में चेक कर लेना, ए ऑप्शन है, वन बाय रूट टू क्यूबिक यूनिट। ओके, ठीक है।